corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, conflict, environment, gender, development, corruption. मैं सुनीता कसेरा वीडियो वॉलंटियर कम्युनिटी न्यूज़ सर्विस के राजस्थान जिले के करौली जिले के चटिकना कॉलोनी से यह बताने जा रही हूं कि यहां पर पानी की समस्या एक भयंकर रूप लिए जा रही है और पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वो गंदा पानी मिलता है जिससे आम जनता को रोजमर्रा के जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह समस्या एक अकेले की समस्या नहीं है, यह पूरे जिले की समस्या है। इसका कारण अवैध कनेक्शन होना, पाइपलाइनों का रिसाव होना, नलों में टोंटी ना होना। पानी मिलता है तो वह गंदा पानी मिलता है, उसका कारण है नालियों में से पाइपलाइनों का निकलना, पाइपलाइनों में रिसाव होना, पाइपलाइनों के पास कूड़ों का ढेर होना, लेटरिन की नालियों में से पानी पाइपलाइनों को आना। इसके कारण शुद्ध व पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। आपको कितने दिन से है पानी की समस्या? 8 महीने हो गए करीब। और ये आपने शिकायत नहीं की इस पानी के लिए किसी जगह? हाँ सर, एक्सचेंज साहब के लिए मैंने की थी शिकायत। हाँ। एक घंटा तो उन्होंने कोई बोली की या एक्सचेंज, फिर मैंने जिला कलेक्टर पौधे को दूरभाष पर सूचना दी, उसके पश्चात एक्सचेंज साहब आए थे। एक महीने से तो अब तक कोई समाधान हुआ नहीं, कोई समाधान नहीं। हाँ, और जिसका अन्य पानी का सैंपल दिया मेरे पास, जैसे आ रहा था गंदा पानी आ रहा है। बिगड़ती जल व्यवस्था हमारे राजस्थान में कोहरे की तरह छाई हुई है। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो एक दिन पानी के लिए मछली की तरह तड़पना पड़ेगा।